और बात करें गिरिडीह के मशहूर तीर्थ स्थल पारसनाथ को इको टूरिज्म के तौर पर विकसित करने का विरोध तेज हो गया है। जैन धर्मावलंबियों ने समेत शिखर को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इको टूरिज्म बनाने से तीर्थ स्थल की पवित्रता भंग होगी। पारसनाथ को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विरोध, समेत शिखर को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की मांग। गिरिडीह का मशहूर पारसनाथ यानी समेध शिखर जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है। यहाँ जैन धर्म के 20 तीर्थकारों ने मोक्ष की प्राप्ति की है। यही वजह है कि जैनियों के लिए यह आस्था का विशेष केंद्र है। लेकिन समेध शिखर यानी पारसनाथ को इको टूरिज्म क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसका विरोध तेज हो गया है। जैन धर्मावलंबियों ने हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल काशी विश्वनाथ और माता वैष्णो देवी की तर्ज पर तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। टूरिज्म शब्द जुड़ते ही लोगों के मन में ऐसी बातें आ गई कि पर्यटन अगर बढ़ावा मिलेगा तो धर्म तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता बाधित होगी। इससे देश भर में जैन समाज की एक ही भावना है, इसे पर्यटन क्षेत्र बनाने की जगह पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए, जैसे काशी विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा आदि, वैष्णो देवी आदि क्षेत्रों को बनाया जाए। झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने पारसनाथ के एक हिस्से को वन जीव अभ्यारण और इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, लेकिन जैन समाज इसका विरोध कर रहा है और केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि इको टूरिज्म से समेध शिखर की पवित्रता भंग होगी। पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ आस्था एक एक कण कण जुड़ा हुआ है, लोगों का कण कण यहाँ का पवित्र है। अगर लोग यहाँ पे उच्छेद में आके दारू शराब ये पियेंगे, उच्छेद का क्या होगा? जो हिंदुओं का वैष्णो देवी है वो क्या टूरिस्ट स्पॉट है? वहाँ पर भी तो एक धार्मिक वो है, ये भी हमारे जैनों का धार्मिक वो है। अगर जो आना चाहते हैं टूरिस्ट आए, जरूर आए और दर्शन करने को आए, लेकिन कृपया जूते चप्पल ना पहने। जिस तरीके से एक जैन वहाँ पे दर्शन करने आता है अपनी पूरी धार्मिक श्रद्धा को लेकर, कृपया उसी तरीके से आए, उसे टूरिस्ट स्पॉट ना बनाए। लड़के लड़के वहाँ सेल्फी ले रहे हैं, जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं। पत्थर में प्रत्येक कण कण में जो पवित्रता है वो किसी तीर्थ क्षेत्र के लगा सकते हैं। इसके वास्ता एक पवित्र ही रहना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ के जो मंत्री है उनके पास निवेदन करते हैं, एक पवित्र स्थल है, इसको पवित्र ही रखा जाए। मामले को लेकर जैन धर्मावलंबियों ने डीसी से मुलाकात की। इस दौरान डीसी ने मांगों पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जो जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं तो उनको हम लोग किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं और नागरिक सुविधाएं दे सकते हैं, उसके संबंध में हम लोगों ने बात किया। अभी जो साल का समापन अभी होने वाला है, नववर्ष आने वाले हैं, तो कई सैलानियों का भी आगमन होता है काफ़ी संख्या में, तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने बात किया। जैसे कि धर्म से जुड़े जो भी हम लोग वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो अब लगाते आए हैं अब तक मांस मदिरा का सेवन से संबंधी, उसको हम लोग किस तरह से एनफोर्स कर सकते हैं ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, और किसी भी तरह के वहाँ पे एंटी सोशल एक्टिविटीज ना हो, उनसे संबंधित भी हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है। मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा है कि पूरे मामले को लेकर सरकार से बातचीत चल रही है, केंद्र सरकार का रुख भी सकारात्मक है। पारसनाथ समवेद शिखर में कई जो जैन मुनि हैं उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है और इसे मोक्ष की धरती भी कहा जाता है। अब जैन समाज का यह आग्रह जो सरकार से लगातार है उस पे देखना होगा कि आगे सरकार क्या निर्णय लेती है। अपने सहयोगी संदीप पशुजीत के साथ न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। ज्यादा जानकारी के साथ गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, जैन धर्मावलंबियों ने चौतरफा विरोध शुरू कर दिया है इको टूरिज्म बनाने को लेकर। अब जाहिर तौर पर उनका कहना है कि ये तीर्थ स्थल है और इसे तीर्थ स्थल ही रहने देना चाहिए। अजी बिल्कुल राजता, अब पहले मैं आपको बता दूं पारसनाथ जो है वो जैन धर्मावलंबियों के लिए क्या महत्व रखता है, ये जानना जरूरी है। तो जिस तरीके से हिंदुओं के लिए वैष्णो देवी अन्य तीर्थ स्थल है, उस तरीके से पूरे विश्व में जो भी जैन धर्म के लोग रहते हैं उनके लिए पारसनाथ का अपना एक अलग महत्व है, उसकी भक्ति भावना अलग है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त किया था, तो इसे मोक्ष की धरती भी कहा जाता है। और पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से जो जैन तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं,
पहाड़ की वंदना करते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और फिर लौट जाते हैं। दरअसल हुआ कि केंद्र और वन पर पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पहले इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, उसके बाद अब पर्यटक स्थल के रूप में जो बातें सामने आई हैं उसका विरोध जैन समाज अब पूरे देश भर में कर रहा है, चाहे वो मुंबई हो, इंदौर हो, झारखंड हो, हर जगह इसका विरोध के साथ साथ यह आग्रह भी कर रहा है जैन समाज, चूंकि यह तीर्थ स्थल के रूप में इसे विकसित करने की मांग कर रहा है। जैन समाज के जो आज मुनि हैं, जिनसे आज हमारी बात हुई, प्रमाण सागर जी महाराज, और जो लोग बाहर से आए हुए थे आज पारसनाथ में, उनका कहना है कि देखिए जहां पर पर्यटन स्थल की बात होती है वहां पर होटल रिजॉर्ट और मांस मदिरा के सेवन के साथ साथ और अन्य तरीके की जो बातें हैं वो उनके दिमागों में घूमने लगती हैं और पवित्रता भंग होने का जो शंका रहता है कि पवित्रता जो है वो भंग हो सकती है, भक्ति भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, इसे लेकर वो लगातार आग्रह कर रहे हैं कि इसे पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, ना कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में इसकी घोषणा की जाए। तो लगातार जो है इस तरीके की मांग जैन समाज जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों सरकारों से कर रहा है और लगातार इसको लेकर अलग अलग मंच से जैन समाज अपनी आवाज भी उठा रहा है। बता दें कि आज पारसनाथ विकास प्राधिकरण की बैठक भी हुई है उपायुक्त की अध्यक्षता में, और जो भी जैन संस्था की कोठियां हैं उन कोठियों के प्रबंधक की मौजूदगी में बैठक हुई है। हालांकि उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि पारसनाथ की पवित्रता को किसी भी रूप में भंग होने नहीं दिया जाएगा, और जिस तरीके से पूर्व से चला आ रहा है जो मांस मदिरा पर प्रतिबंध है उसे और सख्ती से जिला प्रशासन और सरकार लागू करवाएगी, और जैन समाज की भावनाएं कहीं आहत ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, और पर्यटन स्थल भले ही घोषित हो गया हो लेकिन जो राज्य सरकार की ओर से अधिकारी बता रहे हैं कि वहां पे नई संरचना कोई बननी नहीं है, नई संरचना नहीं बननी है, जो जैन तीर्थयात्री आते हैं उनकी सुविधा के लिए इसे पर्यटन स्थल के रूप में और विकसित किया जा रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो जैन समाज के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये खतरा है कि जब पर्यटन के लिए लोग आएंगे तो सैर सपाटे की बात, पर्यटन की बातें जैसे दिमाग में आती हैं तो सैर सपाटे की बात आ जाती है, मौज मस्ती की बात आ जाती है, तो इस तरीके से उनकी जो पवित्रता है, जैन धर्मावलंबियों की जो पवित्रता है संवेद शिखर के प्रति, जो मधुबन के प्रति, जो अपने भगवान के प्रति, उनकी आस्था को, उनकी भक्ति भावनाओं को कहीं ना कहीं जो पवित्रता जो है वो भंग हो सकती है, इसे लेकर लगातार मांग की जा रही है। और उनका कहना है कि हम अभी भी सकारात्मक है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, लेकिन अब ये मांग भी हो रही है और सरकार भी एक तरीके से अपनी बात रख रही है कि कहीं भी मांस मदिरा का सेवन नहीं होने दिया जाएगा, पवित्रता को भंग भी होने नहीं दिया जाएगा और सारे नियमों को सख्ती से पालन कराया जाएगा। बहरहाल अब देखना है कि इसमें जो है वैकल्पिक सरकार क्या फैसला लेती है, क्या जैन धर्म के जो लोग हैं उनकी बातों पर सरकार ध्यान देती है, या सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले के साथ वो खड़ी रहती है। हालांकि आज उपायुक्त ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में पारसनाथ की पवित्रता भंग नहीं होगी और पारसनाथ के लिए जो है प्रशासन और सरकार लगातार तत्पर तैयार है। जैन समाज के जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको और बेहतर कैसे सुविधा मिले इसके लिए पर्यटन स्थल इसको घोषित किया गया है। बहरहाल इन सब के बीच में अब देखना है कि आखिर बातें जो है वो आगे निकलकर क्या सामने आती हैं। लेकिन जैन जो समाज है वो समाज आज भी मांग कर रहा है कि इसे पर्यटन स्थल के बजाय पवित्र तीर्थ स्थल का दर्जा दिया जाए। राजदा जी, श्रीकांत, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने अगर ऐसा सोचा है कि उसे एक इको टूरिज्म स्थल बनाया जाए ताकि वहां के लोगों को और रोजगार मिल सके। हमने पहले भी खबर दिखाई थी कि कैसे वहां पर लोग जो है अपनी जीविका चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये चीज जरूर है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए जब टूरिज्म प्लेस अगर बनता है तो। पर्यटक स्थल में लोग आएंगे, लोगों जो वहां के रहने वाले लोग हैं स्थानीय लोग, उन्हें रोजगार मुहैया होगी, तो लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि तीर्थ स्थल की अपनी एक गरिमा होती है, उसे भंग ना करें, ये आम लोगों को भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल राजदा, देखिए हर आम और खास को है कि अपने अपने जो आस्था है, अपना जो धर्म है, अपनी जो आस्था है, भगवान के प्रति जो दिलों में प्रेम है,
उस प्रेम के साथ साथ हम ये भी देखना होगा कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी और के धर्म, किसी और के भावना को ठेस पहुंचे। ये तो हर आम खास को खुद में ये समझने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से आपने बातें कही हैं, निश्चित तौर से सरकार अगर कोई प्लान करती है, कोई बात सामने लाती है, और जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी ये बातें ला रही है, तो निश्चित तौर से उसके पीछे कहीं ना कहीं प्लान रहता है, एक ब्लूप्रिंट रहता है, और लंबी चौड़ी जो है सोच विचार करने के बाद, लंबे अंतराल के बाद इस फैसले पर पहुंचा जाता है। निश्चित तौर से फैसला एकाएक लागू तो नहीं हुआ होगा, कई दौर की बातचीत चली होगी और इसके लिए कई दौर की बातें भी हुई होंगी। तो सरकार ने भी अपने इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे एक अलग पहचान बनाए, इसके लिए बातें निश्चित तौर से सरकार ने की हैं और इसने पहल भी की है पर्यटक स्थल के रूप में। लेकिन जो जैन धर्म के लोग हैं उनकी भी मांग अपने जगह पर जायज है। जो भी लोग हैं वो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी मांगों को रख सकते हैं, अपने धर्म को लेकर, अपने भगवान को लेकर, अपने आस्था को लेकर अपनी बातों को सरकार तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन लगातार प्रशासन, सरकार और प्रबंधन भी ये अपील करता आया है, इस इलाके में घूमने के लिए जो लोग आते हैं, जो लोग पहुंचते हैं, वो मांस मदिरा का सेवन ना करें। ये पवित्र तीर्थ स्थल है, यहाँ पर आकर आप किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाएं, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि यहाँ की पवित्रता जो है भंग हो। पहले भी मैंने आपको बताया कि 24 में से 20 तीर्थांकर, लेकिन राजदा और एक बात है कि ये पूरे देश के जैन समाज के लिए आज के दिन में एक विषय बन चुका है, उनकी आस्था का विषय, उनके धर्म का विषय, और पूरे देश भर में इसको लेकर जो है आवाजें उठ रही हैं, मांग हो रही है। लेकिन आवाजें तो हर ओर उठती हैं, लेकिन विकास कहीं ना कहीं जब होता है तो उसमें कई तरीके के पहलू भी सामने आते हैं, और इन पहलुओं को समझते हुए, उन पहलुओं को जानते हुए सारी चीजों को सरकार भी समझ रही है, प्रशासन भी समझ रही है, और अब जैन समाज के लोगों ने भी बैठक की है आज पारसनाथ विकास प्राधिकार की। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन सरकार आज भी सरकार ने भरोसा दिया है कि जो मांस मदिरा का सेवन पर रोक है उसे सख्ती से लागू कराया जाएगा, और किसी भी तरीके से पारसनाथ की पवित्रता भंग ना हो, इसका विशेष ध्यान सरकार, प्रशासन और स्थानीय जो भी कमेटियां हैं, जो प्रबंधक कमेटियां हैं, उन्हें भी रखने की जरूरत है, और आम लोगों को भी सोचने की जरूरत है। जो लोग वहां पहुंचते हैं, जो लोग दर्शन करने पहुंचते हो या लोग घूमने पहुंचते हो, उन्हें भी जरूरत है कि वो कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे पारसनाथ की पवित्रता और किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। राजदा, बिल्कुल, ये सरकार तो क्या डिसीजन लेगी वो तो सरकार जब डिसीजन लेगी तो पता चल जाएगा, लेकिन आम लोगों से भी हमारी अपील है कि जो जैन धर्मावलंबी है उनका बस यही कहना है कि वो भी चाहते हैं कि लोग वहां पर आए, दर्शन करें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें ना करें जिससे जो उनके धर्म पर आस्था है उस पर किसी तरह का प्रहार हो। तो अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।